आजकल कलम जरा सुस्ता रही है, जब भी सच लिखने जाओ पहले घबराहट होती है। आजकल कलम जरा सुस्ता रही है, कोने में खड़ी रूह घबरा रही है। बहुत कुछ लिख चुका प्यार मोहब्बत के बारे में, फिर अब ये सच लिखने से क्यों कतरा रही है। तो आजादी के बारे में ये लिखा है, आजादी क्या होती है, आजादी किस चीज से, आजादी क्या आजाद सिर्फ देश होता है, इंसान नहीं। हम सभी को चाहिए इस मुल्क की आजादी, भूख से, गरीबी से, गफलत से, गुर्बत से, हर किसी को चाहिए ऐसी आजादी। मगर उस आजादी का क्या जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। दिल से आजादी, एक तरफा मोहब्बत से आजादी, उसके घुंघराले बालों से आजादी, उसकी लंबी मुस्कान से आजादी, उसकी यादों से आजादी। एक नौजवान को चाहिए इन मसलों से आजादी। शुक्रिया शुक्रिया। आज देश तो आजाद है, देश तो काफी पहले ही आजाद हो गया। आज देश तो आजाद है, देशवासी नहीं, हम सभी गुलाम हैं। कोई फेसबुक का, कोई इंस्टाग्राम का, यही नहीं नेटफ्लिक्स प्राइम और यूट्यूब भी है इस रेस में। गुलाम है तो बस एक चालाक, होशियार, अकलमंद इंसान। जो कुछ गांव बचे हैं इनसे, वो भी फंसे हुए हैं अभी तक पुराने दलदलों में, ऊंच नीच के जात पात के भंवर में, अमीर गरीब रंग राजा के चक्रव्यूह में। जो कुछ गांव बचे हैं इनसे, वो भी फंसे हुए हैं अभी तक पुराने दलदल में, हम ऊंच नीच के जात पात के भंवर में, अमीर गरीब रंग राजा के चक्रव्यूह में। ऐसे कैसे मुमकिन होगा हमारे पीएम का महाभारत अभियान। हम सभी को चाहिए आजादी, छोटी बड़ी हर गुलामी से आजादी, हर अनचाही दौर से आजादी। वो होता है ना कि हम आदत होती है लोगों को कि मेरा बड़ा भाई ये कर रहा है मैं भी वो करूंगा, पड़ोसी ये कर रहा है तो मैं भी वो करूंगा। तो है, हम सभी को चाहिए आजादी, छोटी बड़ी हर गुलामी से आजादी, हर अनचाही दौर से आजादी, हर अनदेखी बेड़ियों से आजादी, पुरखों से चली आ रही अंधविश्वास से आजादी, बिना मकसद की जिंदगी से आजादी। भारत देश हमारे देश को चाहिए ईर्ष्या, छल कपट, झूठ फरेब, वादा खिलाफी, इन सबसे मुक्त एक अच्छा इंसान, फिर बनेगा हमारा भारत महान, फिर बनेगा हमारा भारत महान। जय हिंद।